स्वागत है आपका टेक्निकल रिकैप चैनल पर। आज की इस टेक्निकल रिकैप की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं सैमसंग नॉक्स सिक्योरिटी के बारे में। सैमसंग नॉक्स सिक्योरिटी क्या है और ये कैसे काम करता है, और साथ में ये भी जानेंगे क्या यह हमारे फोन को सिक्योर रखता है या नहीं। और अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन को प्रेस करना ऐसी वीडियो के लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाने के लिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी वीडियो लाते रहते हैं। तो बिना किसी देरी के चलिए स्टार्ट करते हैं। सैमसंग नॉक्स सिक्योरिटी क्या है? आपने सैमसंग नॉक्स सिक्योरिटी के बारे में तो सुना ही होगा, अगर नहीं सुना तो कोई बात नहीं। यह फीचर सैमसंग के द्वारा सैमसंग के फ्लैगशिप और कुछ मिड रेंज स्मार्टफोन में दिया जाता है। अगर सैमसंग नॉक्स सिक्योरिटी को हम सिंपल भाषा में कहें, यह सैमसंग का एक एडवांस लेवल का सिक्योरिटी सिस्टम है। यह आपकी प्राइवेसी, डेटा और इंफॉर्मेशन को सेव रखता है, जिसमें आपको सैमसंग की एक्स्ट्रा लेवल सिक्योरिटी का सपोर्ट मिल जाता है। सैमसंग के अकॉर्डिंग यह सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर सिक्योरिटी फीचर्स का वह सिस्टम है जो एक ही डिवाइस में दो अलग अलग डिवाइसेस के रूप में इस्तेमाल करने की सुविधा देता है। यानी कि यह डिवाइस के सिस्टम को दो अलग अलग सिस्टम में बदल देता है, जिसमें एक डिवाइस का ओरिजिनल सिस्टम होता है जबकि दूसरा उसका कॉपी होता है। सैमसंग नॉक्स सिक्योरिटी आपके फोन में है या नहीं? वैसे तो आजकल नॉक्स सिक्योरिटी ज्यादातर फोन में दी जाती है, लेकिन इसका एक आसान तरीका और भी है। जब आप सैमसंग का कोई फोन खरीदते हैं तो बॉक्स पर मेंशन किया जाता है और साथ ही आपके फोन के अबाउट में इस फीचर को मेंशन किया जाता है, क्योंकि नॉक्स सिक्योरिटी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर पर काम करती है। नॉक्स सिक्योरिटी कैसे काम करती है? नॉक्स सिक्योरिटी में आप एक ही फोन को दो माध्यम से इस्तेमाल कर सकते हैं। पहले माध्यम से इसे नॉर्मल यूज की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं और दूसरे माध्यम से हम इसे प्राइवेटली इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे सिक्योरिटी, प्राइवेसी, डेटा और पर्सनल इंफॉर्मेशन सिक्योर रखने के लिए। जैसा कि हमने पहले आपको बताया कि ये एक हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर बेस्ड सिक्योरिटी सिस्टम है। जिस फोन में नॉक्स सिक्योरिटी होता है, जब वह फोन स्टार्ट या रिस्टार्ट होता है, तब स्टार्ट होने पर यह अपने हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को टेस्ट करता है कि किसी ने डेटा चुराने के लिए इसके बूटिंग सिस्टम या फिर हार्डवेयर या फिर सॉफ्टवेयर से छेड़खानी तो नहीं की। अगर इसको कुछ ऐसा मिलता है तो यह सिक्योर डेटा को परमानेंटली डिलीट कर देता है। जिस किसी फोन में नॉक्स सिक्योरिटी दी जाती है, उसमें आपको सिक्योर फोल्डर का ऑप्शन दिया जाता है। इस फोल्डर की सहायता से आप किसी भी ऐप को या फिर फाइल को सिक्योर कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपको इंस्टाग्राम अकाउंट सिक्योर करना है, इसके लिए आपको सबसे पहले नॉक्स सिक्योर के फोल्डर में जाकर ऐड एप्स के ऑप्शन पर क्लिक करके इंस्टाग्राम एप्लीकेशन ऐड कर लेना है। ऐड करने पर आपके सामने नॉक्स इंस्टाग्राम एप्लीकेशन का आइकन आ जाएगा। अब आप अपने फोन में दो इंस्टाग्राम यूज कर सकते हैं, एक नॉर्मली और एक सिक्योर फोल्डर में जाकर। नॉक्स सिक्योरिटी कैसे एक्टिव करें? सबसे पहले आपको सेटिंग ऑप्शन के ऑप्शन पर क्लिक करना है। इसके बाद आपको बायोमेट्रिक एंड सिक्योरिटी के ऑप्शन को ओपन कर लेना है। यहाँ आपको सिक्योर फोल्डर पर क्लिक करने पर आपके सामने वेलकम टू सिक्योर फोल्डर स्क्रीन ओपन हो जाएगा, और फिर आपको सैमसंग के टर्म एंड कंडीशन को एग्री कर लेना है। अब आपको एक पैटर्न या पासवर्ड सेट करना है जो कि आपके फोन के पासवर्ड से अलग होना चाहिए, क्योंकि अगर आपके फोन का पासवर्ड और सिक्योर फोल्डर का पासवर्ड सेम होगा तो जिस किसी को भी आपके फोन का पासवर्ड पता होगा वह आपके सिक्योर फोल्डर को भी ओपन कर सकता है। और हम आपको बताना चाहेंगे कि सिक्योर फोल्डर में फेस अनलॉक का ऑप्शन नहीं है, क्योंकि कोई भी आपकी फोटो दिखाकर सिक्योर फोल्डर को अनलॉक कर सकता है, इसलिए सुरक्षा कारणों के चलते फेस अनलॉक फीचर को लॉक टाइप की सूची से बाहर रखा गया है। तो आज की इस टेक्निकल रिकैप की वीडियो में बस इतना ही। हम उम्मीद करते हैं कि सैमसंग नॉक्स के बारे में आपको काफी उपयोगी जानकारी मिली होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, और ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो के अपडेट के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करना, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी वीडियो लाते रहते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर दोस्तों, अपना ख्याल रखना।